नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडियंस में। और आज हमारे सामने है न्यू 2024 टाटा एस गोल्ड वेरिएंट। ये इसका सीएनजी वेरिएंट है। इसके अलावा इसमें आपको पेट्रोल और डीजल के भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं इसका फुल डिटेल रिव्यू, प्राइस से लेकर परफॉर्मेंस सभी चीज़ों के बारे में खुलकर बात करेंगे। क्या ये माइलेज प्रोड्यूस करती है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, क्या इसकी पेलोड कैपेसिटी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे फ्रंट से। फ्रंट में आपको ड्यूल वाइपर का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है फ्रंट ग्लास पर। नीचे की तरफ आपको हैलोजन हेडलैम्प्स दिए जाते हैं इंडिकेटर के सेटअप के साथ में। एस की बैचिंग, गोल्ड की बैचिंग, सेंटर में टाटा का लोगो। लोअर ग्रिल पर कोई भी आपको फॉग लैंप की प्लेसमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये कुछ रहने वाले इसकी फ्रंट प्रोफाइल। 1500 mm की ओवरऑल विड्थ है। आ जाते हैं एक बार इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ, तो 4075 mm की ओवरऑल लेंथ है। इसी के साथ लोड बॉडी आपको मिलती है 8.2 फीट की, 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। रिजिड एक्सल विद पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशंस मिलते हैं फ्रंट में। टायर साइज देखेंगे, 145 SC का टायर साइज है। 12 inches का यहाँ पर रिम दिया गया है। बात करें व्हील बेस के बारे में, तो 2250 mm का व्हील बेस यहाँ पर दिया गया है। रियर में लाइव एक्सल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशंस दिए गए हैं। टायर सेक्शन सेम है, 145 SC का, 12 inches का यहाँ पर भी आपको रिम मिलता है। CNG टैंक की आप यहां पर देख सकते हैं प्लेसमेंट अंदर की तरफ की गई है, और क्या कुछ शानदार तरीके से इसकी प्लेसमेंट की गई है। ये अंदर की तरफ से आप देख सकते हैं फुल्ली मेटल बॉडी आपको दी जाती है, एक छोटा बैटरी पैक जो कि यहां पर दिया गया है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और रियर में इसी के साथ ड्रम ब्रेक की प्लेसमेंट आपको मिलेगी। ड्राइवर पैसेंजर कैबिन के पीछे आपको बड़े साइज का ग्लास मिलता है। ये कुछ है इसकी लोड बॉडी 8.2 फीट की, इतनी ही आपको हाइट मिलने वाली है बॉडी की। यहाँ से आप इसमें CNG फिल करा सकते हैं। प्रेशर इंडिकेशन के लिए यहाँ पर एक छोटा सा मीटर भी दिया गया है। बढ़ते हैं अब एक बार व्हीकल की रियर प्रोफाइल की तरफ। तो ये कुछ है इसकी रियर प्रोफाइल। रियर पार्किंग लैंप हैलोजन सेटअप में, रियर टेल लैंप्स, इंडिकेटर की प्लेसमेंट। लोड बॉडी को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं इसके लॉक्स, दोनों साइड आपको मिल जाते हैं। इंडिकेटर आप देख सकते हैं हैलोजन सेटअप में मिलने वाले हैं। रियर में आपको स्टेपनी की भी प्लेसमेंट मिल जाती है। 13.5 degree की आपको इसमें मैक्स ग्रेडेबिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आते हैं, साइड मिरर आपको मैनुअल एडजस्टेबल मिलते हैं। चलते हैं एक बार ड्राइवर कैबिन में। साइड में भी आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। ब्लैक फिनिश में मिलेंगे डोर हैंडल्स। लॉक के लिए यहाँ पर की प्लेसमेंट दी गई है। 694 cc का 2-cylinder गैस इंजेक्शन इंजन इसके अंदर दिया गया है। एग्जॉस्ट पाइप आपको मिलता है इसके राइट साइड में, ये देख सकते हैं आप एक्सल। फ्रंट लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन की प्लेसमेंट यहाँ पर दी गई है। अब चलते हैं एक बार व्हीकल के अंदर। सबसे पहले देखेंगे डोर को, हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल हर जगह दिया गया है। ये कुछ है ओपनिंग, ऊपर की तरफ आपको लॉक अनलॉक के लिए एक स्विच मिल जाता है। चलते हैं अंदर की तरफ। 640 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी के साथ में आता है ये व्हीकल। देखेंगे स्टेयरिंग को, तो 3-spoke स्टेयरिंग व्हील मिलता है। सेंटर में आपको हॉर्न और टाटा का लोगो मिल जाता है क्रोम फिनिश में। इस साइड आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और साइड इंडिकेटर्स के लिए भी। और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसके वाइपर से जुड़े सभी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं ट्रांसमिशन पर, तो 4-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है आपको मैनुअल हैंड ब्रेक के साथ में। देखेंगे एक बार इसके ग्लव बॉक्स को, तो लॉकेबल ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर दिया जाता है। व्हीकल के अंदर आपको कोई भी सेंटर लॉकिंग नहीं मिलेगी, सिंपल सी इस तरीके की मिलेगी। ओपन कर लेते हैं एक बार ग्लव बॉक्स को, तो इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। तो डिसेंट से साइज़ का यहाँ पर ग्लव बॉक्स के अंदर स्पेस मिलता है। कोई भी म्यूज़िक सिस्टम या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन एक USB पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। तो और थोड़ा सा चुटपुट स्पेस यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है दोनों साइड। ऊपर की तरफ ORVM और एक हैलोजन सेटअप में लाइट। कोई भी वैनिटी मिरर आपको नहीं मिलता है सनशेड्स पर। 26 horsepower और इसी के साथ 50 Nm का अच्छा खासा टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये व्हीकल। 2 साल या फिर 72,000 kilometer की वारंटी आपको मिलती है। यहाँ पर दिया गया हेडलाइट की लेबलिंग के लिए एक स्विच। इसी के साथ हमें मिलता है इसमें डिजिटल मीटर, जिसके अंदर हमें डिजिटल स्पीड, गियर इंडिकेटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, ये सभी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। ड्राइवर के साथ साथ आप व्हीकल के अंदर 2 passenger भी बिठा सकते हैं। ड्राइवर साइड सीट एडजस्टेबल नहीं मिलती है। पैसेंजर सीट पर हेडरेस्ट और पीछे आपको ग्लास विंडो, फायर एग्जीक्यूशन यंत्र यहाँ पर दिया गया है। डोर पर देखेंगे साइड विंडो को रोल डाउन करने के लिए यहाँ पर मैनुअल ही आपको मिलता है, ये भी आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं इस व्हीकल की प्राइस के बारे में। तो इसकी एक्सोरूम प्राइस शुरू हो जाती है सिर्फ 4,20,000 rupees से। अगर आप इस व्हीकल को ख़रीदना चाहते हैं, तो आप किसी भी अपने नज़दीकी टाटा मोटर्स के शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम या फिर हमारे फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं।
वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस करें बेल आइकन को।